गाइस तो बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और भाई आज का जो है ना वीडियो, ये व्लॉग नहीं है, इन्फॉर्मेशन वीडियो है भाई। आज की जो है ना हम ये भाई सेंटिनल का रेजिडेंस दिखाने वाले हैं। जो भी आने वाले मतलब बच्चे हैं कि भाई वो अपना रेजिडेंस देख सकते हैं कि कैसा दिखता है कैसे। वैसे तो और लोगों की वीडियो बना रखे हैं लोगों ने, बट भाई हम बहुत ही तगड़े तरीके से दिखाएंगे, तो मजा आ जाएगा। तो भाई आ जाओ, ये भाई अपना कमरा है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर कार्ड डल जाता है, आ जाओ अंदर, ठीक है। ये अपना भाई बिल्कुल मतलब काफी गंदा और रखा है, वैसे तो काफी गंदा और रखा है। ये हमारा जो है भाई पूरा ये अपार्टमेंट है, वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा भाई ये हमारी किचन है, बहुत गंदी हो रही है, बहुत गंदी, ठीक है। ये ज्यादा मत दिखाओ, ठीक है। ये भाई हमारे वॉशरूम आ जाते हैं, वॉशरूम देख लो जी, ये वॉशरूम हमारा ऐसा दिखता है। ये हमारा पूरा वॉशरूम है, ये अंदर मतलब नहाने धोने का, ठीक है। इधर आ जाओ गाइस, ये अपना आ जाता है हमारा कमरा। ये भाई मेरा ही कमरा है, मतलब ऐसा कमरा है भाई, अच्छा स्पेशियस मतलब बढ़िया, ठीक है। इसका भाई इधर का व्यू देखो तुम भाई, व्यू एक बार लाइट ऑफ करियो भाई, थैंक्स ब्रदर। तो ये भाई व्यू आ जाता है हमारा बाहर का, बहुत ही बढ़िया व्यू है, ठीक है जी। और इसका जो भाई रेंट है हमारा, इसका भाई जो रेंट है ये अपना भाई पड़ जाता है हमारे को $1100 आज की डेट में, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई तुम्हारे जब तुम आओगे तो तुम्हारे को कितना पड़ रहा होगा, बट आज की डेट में भाई ये $1100 है, जो कि है फॉल 2022 का रेट। ये ना अपना कुकिंग एरिया है, मतलब यहाँ पर ना सारे फ्लोर्स पे अलग अलग थीम्स हैं भाई, ऐसे खुलता है नहीं खुल रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। तो भाई ये ना अपना कुकिंग एरिया है, मैं तुम्हें दिखा दूँ। यहाँ पर जो है भाई कोई भी जो है अपना कोई कार्ड दे, नहीं नहीं अरे चलना आगे नेक्स्ट, और भी बहुत चीजें हैं दिखाने के लिए। तो भाई ये जो है ना, ये भाई इसलिए है कुकिंग एरिया, क्योंकि भाई जिसको भी जो कुक करना हो ना अपने आप, तो भाई वो कुक कर सकता है। जैसे मैं राघव को कुक कर दूंगा, ठीक है, अभी हम बनाएंगे छोले चावल, ठीक है। तो भाई और चीज दिखाता हूँ, ये बैनर वैनर है कि जिसपे भाई बैनर नहीं मतलब व्हाइट बोर्ड है, जिसपे भाई चीजें लिख देते हैं लोग कि भाई क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा, और आगे तुम्हें दिखाता हूँ सिस्टम। यहाँ पर भाई अपना जो है फिटनेस का है, फिटनेस में सिर्फ तीन वो डल रखी है यहाँ पर, मतलब साइकिल्स है यहाँ पर भाई, साइकिलिंग कर सकता है इंसान, ठीक है, जब भी मन करे। और भाई व्यू बहुत तगड़ा है बाहर का, है राघव, व्यू बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे यहाँ पर जो है साइकिलिंग करी बैठ के, और भाई व्यू देखो तुम बाहर का, यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हो। हाँ अरे क्या हो गया, ये देख रहे हो तुम व्यू, हाँ भाई व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ खा भी सकते हो बैठ के भाई को तो यही सूझ जाएगा ना, ठीक है। चलो आ जाओ और दिखाते हैं, आ जाओ वरना दूसरा जिम तो नहीं है, ये कार्डियो रूम ही है ये भी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भाई सारे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वैसे तो करता हूँ मैं यहाँ पर एक्सरसाइज कम, ठीक है। यहाँ पर बॉक्सिंग बैग भी दे रखा है, ट्रेडमिल भी दे रखी, ये रही ट्रेडमिल, ये भाई वो दे रखी है क्रॉस ट्रेनर वगैरह, और भाई ये रहे हम, ठीक है। तो भाई मतलब मैं इधर आता हूँ वर्कआउट करने, पर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, कैनेडा में किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता जो वर्कआउट करे, क्योंकि देख लो तुम, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट दिखाते तो मैं, आ जाओ जो है अपना इसी फ्लोर पे, मतलब हर फ्लोर की ना अलग अलग थीम है कि भाई कहीं पर जो है फिटनेस का एरिया, जैसे मेरा फ्लोर फिटनेस का, इनको पता था कि भाई हम जिम करते हैं, तो भाई इसलिए दे रखा है, ठीक है ठीक है। तो भाई ये दे रखा है, और हर फ्लोर पे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये भाई मेरा फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इवन बिल लूजर होम थिएटर है जहाँ पर हम भाई अभी अपना मूवी देखने वाले हैं, देख रहे हो तुम, ये ना पूरे मतलब वो है रिक्लाइनर टाइप की चीजें, ये मतलब ये ना खुल जाती है और आप इसके अंदर बीच में लेट सकते हो, है ना। और भाई अपना लैपटॉप भी ले गए हैं यहाँ पर भाई, USB वगैरह लगा के, बहुत ही बड़ा टीवी है राघव, एक बार खड़ा होकर दिखाइयो कितना बड़ा टीवी है, मतलब बहुत बड़ा टीवी है, ठीक है। ये बाहर तो ये भाई अपना बाहर का व्यू आ जाता है, ठीक है। और मतलब पूरा किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल को, जितना भी बड़ा सर्कल हो, तो भाई अपना फिर सबको बिठा के मूवी देख सकते हो अच्छे से, मतलब अंदर ही अंदर में आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये खुल भी जाता है, एक बार खोल के दिखा दो, ऐसे खोल के दिखा देना ब्रदर, ऐसे खुल जाता है, और इसमें भाई अब लेट जाओ ऐसे, ठीक है, पीछे तकिया सा रख लो और मूवी देख सकते हो, सो भी सकते हो भाई, जैसे कोई घर में पार्टी कर रहे हो तो किसी ने आना हो तो यहाँ सो सकता है, ऐसा अलाउड नहीं है देखो, ठीक है। हम करते हैं, हम नहीं ऐसी गलत इमेज नहीं देनी भाई, चलो आ जाओ ना। जैसे लेवल 3 पे आ जाते हैं तो इसमें भाई, जैसे मैंने तुम्हें अभी थिएटर दिखाया बढ़िया था, ठीक है, तो अब वैसे ही किचन, जैसे मैंने तुम्हें ऊपर वाले में दिखाया था वैसे ही किचन है। अनवाइंड का मतलब भाई स्टडीज, मतलब ये दोनों जो अनवाइंड और स्टडी है, ये दोनों अलग अलग टाइप की स्टडी स्पेसेस हैं। तो मतलब ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर कि हर फ्लोर पे ना अलग अलग चीजें, जैसे अलग अलग एमिनिटीज है हर फ्लोर पे। हाँ, तो जैसे अभी यहाँ पर थिएटर था, ऊपर भाई हमारा जिम था,
अब तुम्हें और नीचे वाले फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे दिखाते हैं और क्या क्या है। लेवल टू पे आ चुके हैं भाई, यहाँ पर अपने जो कमरे वमरे जो भी होंगे, बाकी लिविंग रूम और किचन, किचन इधर भी है, बाकी बिलियर्ड्स और बिजनेस सेंटर। आ जाओ गाइस, तुम्हें यहाँ पर दिखाते हैं। पहले तो तुम्हें लिविंग रूम दिखा दें। ये भाई लिविंग रूम है अपना, यहाँ पर जो है बैठ के जो है चिल कर सकते हो, किसी मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के जो है आप इंजॉय कर सकते हो कि भाई किसी भी को भी मतलब आप बुला के बिठा के बात कर सकते हो, जो भी रेजिडेंस में हो, जैसे भाई बैठ चुके हैं, ठीक है। तो भाई इंजॉयमेंट है यहाँ पर, मतलब अंदर ही अंदर में इंजॉयमेंट है, जैसे बाहर बर्फ पड़ी हुई है अभी, तो हम बाहर मतलब अंदर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। मैं ना जो है कमरे का मतलब नंबर नहीं दिखाऊंगा, बट भाई लोग ना बड़ा अच्छा तरीके से सजा देते हैं भाई यहाँ पर। देखो ये लोगों ने सजा रखा है, बड़ा अच्छा सा सजा रखा है। मैं और जो है आपको दिखाता हूँ कि आगे आगे क्या क्या चीजें हैं, है ना गाइस? यस। चलो जी आ जाओ। आ चुका है भाई हमारा बिलियर्ड्स का, ठीक है, बिलियर्ड्स रूम। ये अभी भाई हमारा खोल देगा इसे, आ जाओ, ठीक है जी। ये वापस सिटिंग एरिया, वाओ कितना अच्छा है ना ये। तो भाई यहाँ पर हम जो है नीचे से मतलब अपने वो क्या कहते हैं स्टिक्स और भाई जो बॉल्स होती हैं वो हम नीचे से ले सकते हैं उनसे, और भाई हम यहाँ पर मतलब बिलियर्ड खेल सकते हैं। और ये भाई वो टेबल है जहाँ पर कार्ड खेल सकते हैं, कार्ड्स टेबल भी है भाई ये लोग वहाँ पर चेस भी खेल सकते हैं। हाँ दिवाली मना सकते हैं, सही कह रहा है भाई, कार्ड्स खेलते हैं यहाँ पर भाई, दिवाली भी बन सकती है, तुम एंजॉय करोगे यहाँ पर। और ये रहा भाई पोकर हार्ड हैंड रैंकिंग्स, मतलब भाई इधर ये भी लिखा है कि कैसे पत्ते खेले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये चीज क्या है भाई, ये नहीं पता क्या है, कुछ ना कुछ तो है, किसी कोई गेम का है देख। हैवी सी लग रही है। कुछ ऐसा है जो मतलब चेस नहीं होती, इंडियंस नहीं खेल पाते। ये भाई चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट भाई। अब लेवल फाइव पे, लेवल फाइव पे भाई यहाँ पर वापस अपने कमरे वमरे जो भी होंगे, बाकी पिंग पोंग भाई रूम है, किचन हर जगह सेम, मैंने आपको बताया था, आर्केड वेरी नाइस, और स्टडी। तो भाई स्टडी तुम्हें एक दिखा देते हैं, बाकी पहले पिंग पोंग वाले रूम में चलते हैं जो कि है टेबल टेनिस, जो कि राघव भाई ने पहले से ही खोल रखा है। ये रहा पिंग पोंग, आ जाओ राघव भाई। टी टी रूम वेरी गुड। ये भाई यहाँ पर खेल सकते हैं, नीचे से वो जो है ना वो मंगाना होता है, मतलब लेना होता है, तुमने मेरी एक पुरानी व्लॉग में देखा ही होगा कि भाई यहाँ पर हमने टी खेल रहे थे हरियाणा वाले भाई के साथ, कह रहा भाइयों के साथ खेलते हैं। और ये भाई 401 का व्यू भी दिखाई, भाई ये देखो यहाँ पर ना तुम्हें जो है 401 का व्यू दिख रहा है, ये जो है ना 401 एक्सप्रेस वे है, काफी बड़ा हाईवे है, कनाडा का सबसे बड़ा हाईवे, ये ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है राइट भाई। और ये अपना ऐसी बीनी बैग टाइप का है, सो सकते हैं इस पे। जो बंदे खेल रहे हो तो वो सो भी सकते हैं साथ में, यस। ये रहा एक और, ठीक है आ जाओ गाइस नेक्स्ट पे चले। और यहीं पर ना आर्केड भी है, इनको वाला भी दिखा, जैसे इधर आ जाते हैं हम। देखो भाई ये वेलकम पायरेट्स, ठीक है। ये भाई हमारे हर फ्लोर का हर फ्लोर का जो है अलग अलग थीम है, मतलब कितना सुंदर बना रखा है। ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे जो है आप इनका जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हर फ्लोर का। तो ये बड़ा अच्छा सा मतलब इन्होंने थीम बना रखा है। देखो जैसे ये मैं ना नाम वाम नहीं पढ़वाऊंगा, प्राइवेसी जो है बड़ी यहाँ पर जरूरत है कनाडा में, लोग इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। तो भाई यही सिस्टम है अपना। बाकी अब जो है आपको आर्केड दिखाते हैं, आर्केड एरिया जो है ये वाला, आ जाओ गाइस। ये अपना आर्केड एरिया है, यहाँ पर जो है काफी मतलब खेलने वेलने की बड़ी सुविधाएं दे रखी हैं। ये वापस अपना पायरेट्स आ जाता है, क्योंकि ये थीम ही है जो हर लेवल को अलग करती है। आ जाओ गाइस, वाओ वाओ भाई देखो यहाँ पर जो है ये खेलने का है पूरा, बड़ा अच्छा सा, ठीक है, अरेंजमेंट। यहाँ पर भाई टीवी वीवी लगा हुआ है, ये देखो जी यहाँ पर कुछ मतलब पता नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा खेला नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं है भाई, हमारा कोर्स ही इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। बट भाई कभी अगर मूड करेगा सब भाइयों के साथ तो वीडियो बना देंगे भाई खेलने में, है ना। तो ये भाई ये सब चीज़ें दे रखी हैं अंदर जी, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, कि कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन टाइप कुछ लग रहा हो तो आप यू कैन एंजॉय हियर ऐसे। और ये वापस दो बीनी बैग दे रखे हैं वापस रिलैक्स करने के लिए, ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा सा अच्छा लगा मुझे, कलरफुल सा एरिया, आ जाओ गाइस नेक्स्ट चले। अभी जो है ना अंदर आके बड़ा अच्छा लगा, कैसा लगा भाई आपको? बहुत अच्छा। अच्छा है ना। तो भाई ये जो भाई है हमारे, ये नॉर्दर्न के हैं, कौन से कॉलेज के? कौन सा? प्योर्स कैंपस, मतलब वो कोई कैंपस है उधर का भी, उधर भी चलेंगे भाई, ठीक है, उधर भी चलेंगे और वहाँ पर भी वीडियो बनानी है बढ़िया सी, ठीक है, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट जगह टूर पे आए। और भाई हमने ना काफ़ी एक नई चीज़ ढूंढी जो हमने कभी देखी नहीं थी कभी भी, है राघव? एक और थिएटर है, और ये इसमें सारे में वो है भाई, पिछले वाले में सिर्फ सोफा था, इसमें भाई काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, बट टीवी छोटा है गाइस,
टीवी स्क्रीन छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट है तो सही ना कुछ तो भाई ये बहुत ही अच्छा सा बना रखा है। इसको मैं जो ओपन करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये अपना हटाया और यहाँ पर बैठे ऐसे, ठीक है, और भाई ऐसे जो है अपना बैठ गए, ठीक है, दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे बैठ सकते हो आप, ठीक है, और जो है मूवी देख सकते हो किधर। हाँ जी चलो भाई नेक्स्ट दिखाते हैं। आगे देख रहे हो तुम, जैसे मैं चलूंगा ना भाई रोशनी होती जाएगी। हो ही नहीं रही भाई। भाई लाइट देखो ये ना सही, अब बताओ हुई नहीं रोशनी तो भाई पैसे यहाँ पर भाई ऑटोमेटिक लाइट्स है, ठीक है। तो भाई अब जो है ना यहाँ पर भाई गेमिंग रूम आ रहा है, पता ना कितने गेमिंग रूम है, हम तो भाई गेमिंग खेल के इतने गेम खेलते खेलते भाई थक गए। आ जाओ गाइस इसे खोल दो भाई, ये जो आ जाता है अपना ये गेमिंग रूम है। हाँ यस यू आर राइट ब्रदर, आप जो है यहाँ पर प्ले स्टेशन खेल सकते हो। आपके पास अगर प्ले स्टेशन है भाई, कह रहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास है जैसे तो नहीं है मेरे पास भी, ठीक है। तो भाई जैसे मतलब किसी के पास भी प्ले स्टेशन हो ना तो यहाँ पर भाई कनेक्ट कर सकता है और भाई तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आके खेल सकते हो। तो भाई एक और आइडिया दे रहा हूँ, अगर कोई रेजिडेंस में मतलब आके रहना चाह रहा है ना तो किसी पास इंडिया में प्ले स्टेशन हो तो जरूर ले गया ना, तुम लोग यहाँ पर आराम से खेल पाओगे, ठीक है जी। ये अपना और एरिया है जहाँ पर आप नॉर्मली बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नेक्स्ट चिल कर सकते हो। वेरी गुड, अच्छी थीम कर रखी हुई है इन्होंने भाई क्रिसमस की, टॉप सीक्रेट, अच्छी लग रही है ना भाई, अच्छी। और ये पूरा अच्छा सा बना रखा है, ये है भाई लेवल 7, ये मतलब जो भी इनके कमरे होंगे यहाँ पर, दूसरे जो भी कमरे होंगे। राइट साइड में रिफ्लेक्शन एरिया है, किचन राइट में ही, हम किचन वापस नहीं दिखाएंगे गाइस। और भाई स्काई लॉन्ज और रिफ्लेक्शन भी बेसिकली ये है कि आप जो है बैठ के जो है एंजॉय कर सकते हो, बेसिकली यू हैव टू जस्ट सिट एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ और यू कैन डू योर वर्क, ठीक है जी। तो ये देखो भाई रिफ्लेक्शन एरिया है, जैसे यहाँ पर ऐसे हाफ हाफ सोफाज हैं, ठीक है, तो भाई जैसे अगर इनको तो भाई सोने से मतलब है, पता नहीं क्यों क्या हो गया भाई। बिजनेस क्लास में आ जाओ भाई, देखो यहाँ पर बिजनेस क्लास, ये भाई हमारा बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है, ठीक है। तो भाई अपग्रेड किया ना इकोनॉमी से, कह रहा आपने अपग्रेड किया ना इकोनॉमी से। तो भाई ये अपना रिफ्लेक्शन एरिया है, आप यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हो, इनफैक्ट आप कॉफी लेके यहाँ पर काम कर सकते हो और भाई आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। आ जाओ गाइस नेक्स्ट चीज दिखाएं आपको, वो नहीं दिखाएंगे कि वो नंबर क्या है, बट भाई तुम व्यू देख रहे हो, ये मेरी क्रिसमस कितना अच्छा से लोगों ने डेकोरेट कर रखा है। ये आइडियाज अच्छे हैं, हम भी कर सकते हैं बट हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है लाइफ में कि हम जो है डेकोरेट करें इसे, बट कोई नहीं जी। ये जो है अपना आ जाता है स्काई लॉन्च, ठीक है जी, ये भी बहुत अच्छा सा एरिया है जहां पर आप बैठ के चिल कर सकते हो, मतलब आपको चिल करना है ना अगर गाइस अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त को बुला के भाई यहाँ पर बैठ जाओ बातें करो, ठीक है। ये वापस अपना भाई स्काई लॉन्च आ जाता है, पीछे देखो बैकग्राउंड कितना अच्छा है, ठीक है। ये सोफाज जो है इस तरफ को लगे हुए हैं और ये सोफाज की जो क्वालिटी है ना ये मैं बताना चाहूंगा भाई बहुत अच्छी है, अगर कम से कम काफी महंगे सोफे हैं ये, ठीक है। तो तुम्हें लग रहा हो कि भाई ऐसे ही यूज कर रखा हो, इधर इंटीरियर अच्छा खासा यूज कर रखा है और ये मतलब ऑपोजिट साइड मतलब व्यू दिखाता है। और ये हमारी भाई न्यू बिल्डिंग बन रही है जो सेंटिनल की, पता नहीं जब तक तुम लोग आओ ये बनी गई होगी, है ना गाइस। आ जाते हैं भाई लॉन्ड्री सेक्शन में, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही है और यहाँ पर जो है सब ऑटोमेटेड लॉन्ड्री है, ठीक है जी, ये देख सकते हो आप यहाँ पर भाई ये सब सारी जो है लॉन्ड्री मशीनें जैसे कर रही है गर्ल, ठीक है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर वॉशिंग हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है ड्राइंग। तो यहाँ पर जो है अपना आप कार्ड में रीफिल करा सकते हो अपना अमाउंट जो भी आपको करना है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो जी, ठीक है। तो लॉन्ड्री का आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अंदर में आप कर सकते हो और सही है, मतलब काफ़ी एमिनिटीज बहुत अच्छी दे रखी है इन्होंने ना। अपनी एंट्रेंस आ जाती है सेंटिनल की, इधर से रेजिडेंस की एंट्रेंस है, आप यहाँ पर आते हो तो आपको राइट साइड में जो है मार्केट मिलती है जहाँ से आप जो है कुछ भी सामान ले सकते हो गाइस, ठीक है। और अपने आप ही जो है बिल विल करा के आप बाहर आ सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं गाइस हम अपने, मतलब ये भी जो है नीचे अपना वही है लॉबी एरिया कहते हैं इसे, लॉबी एरिया में ना आप बैठ के अपना काम भी कर सकते हो। यहाँ पर जो है चार्जिंग के स्पॉट्स भी लगे हुए हैं, ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग के स्पॉट्स वगैरह जैसे यहाँ पर इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर टेबल्स और चेयर्स पे लगा रखे हैं ये सब, देखो एक्सलेंस इज नॉट स्टिल इट इज़ एन एटीट्यूड, वेरी गुड। तो भाई ये अपना वापस सिटिंग एरिया वगैरह सब कुछ, पीछे जो है वॉशरूम्स वगैरह हैं
और जो यहाँ पर आउटसाइड एरिया है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखो गाइस, ये आउटसाइड, ये पूरी सारी बिल्डिंग है ना चारों तरफ की, ये बीच में जो है खाली है, ऊपर जो है वो अपना मतलब ओपन है सब कुछ। और भाई यहाँ पर जब समर्स होती है ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं लोग। जब ये जैसे ये आप देख रहे होगे बारबेक्यू है, ये बेसिकली आप जो है अपना यूज़ कर सकते हो। आप जब समर्स होंगी पनीर टिक्का, चिकन टिक्का कुछ भी बना सकते हो। तो वेरी नाइस चीज़। तो अपना बस यही है, ठीक है गाइस, तो अपना बस यही है रेजिडेंस का, ठीक है। तो आप मतलब रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप आओगे तो, ये वर्थ इट, मेरे को तो वर्थ इट लगता है $1100। बट ठीक है, अगर आपको एक साल रुकना है और इन्जॉय करना है लाइफ सेंटिनियल की, तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और भाई जो करना है कर दो, दिल से सपोर्ट दिखा दो। प्लीज़ ओके, बाय बाय।